अब इसमें आपको एक चीज गौर करिएगा, एक मिनट भाईजान अपना फोन एक मिनट दीजिए, जरा आप गौर करिए यहां पर ये E71 क्या है, ये क्या है E471, ये इसकी इंग्रेडिएंट्स में आता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया जी इसकी इंग्रेडिएंट्स। देखिए यहाँ से शुरू हो गया, ये इसमें मिल्क सॉलिड्स वगैरह वगैरह आलमंड पीसेस, बाकी जाते 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 ये यहाँ पर E7471 पे, आप गौर से देखिए E471। मैं पहले भी बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को शेयर करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको इस E471 के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अभी देखिए मैं ये रेफर कोड यहाँ गूगल में डालता हूँ, तमाम साथी जरा गौर से देखिए। अभी मैं ये E471 कोड जो है आप भी डाल के देख लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखिए बोन मोन भी आप पढ़ा हूँ, आओ साहब E471 उल्टा मत कर दिया है, देखिए E471, ठीक है। अब मैं इस चीज को सर्च करता हूँ, लोग सर्च कर सकते हैं, देखिए जी ये क्या आया मोनो एंड ये कुछ फैट्स, आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर शायद कुछ आपको दिखेगा, ये आप भी सर्च कर लीजिएगा E471 कोड डाल के। देखिए फैटी एसिड है जो कि सुअर की चर्बी से लिया जाता है, और वो हम आम चीजों में आप आइसक्रीम देख के खाया करिए, और ये चीज देखनी चाहिए आप, इसका ये विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। यहाँ ये इमेज में आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए इस पे पूरी डिटेल दी है कि किस किस चीज में E471 और इसका हम डाल रहे हैं। तमाम अपने हर जगह अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा मेहरबानी करके, क्योंकि अमूल आइसक्रीम हम हर जगह खा रहे हैं। मेहरबानी करके हर किसी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, एक जिम्मेदार शहरी होने के इस फर्ज से मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूं। तो मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन जो मुझे लगा कि इस चीज के लिए मैंने लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। इस चीज के बारे में मेरे को भी नॉलेज नहीं था, मुझे भी किसी दोस्त ने बताया तो मेरे अंदर नॉलेज आ गया, तो अब मैंने आपको नॉलेज दिया। प्लीज ये वीडियो शेयर करिए और अमूल के जो आइटम्स हैं, अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप बायकॉट कर दीजिए। वस्सलाम, थैंक यू, खुदा हाफिज़।